हम सब जानते हैं कि वॉरेन बफेट के पास बचपन में बहुत कम पैसे थे और उन्होंने न्यूज़पेपर तक बेचे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आज बिलियनर हैं। इसलिए हम सब उनको स्टडी करते हैं और वैल्यू इन्वेस्टिंग को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक और लड़का था जिसने बचपन में न्यूज़पेपर सेल किए थे और ये लड़का भी बहुत सक्सेसफुल हुआ, और इस लड़के का नाम था विलियम ओ'नील। ये भी इन्वेस्टिंग से ही अमीर बने, और कुछ भी नया सीखने के लिए इनका एक ही फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला था कि पता करो जिस फील्ड में वो अच्छा होना चाहते हैं उस फील्ड में पहले से कौन अच्छा है, और उनसे जाके बात करो कि वो डिफरेंट क्या कर रहे हैं, और फिर उसी चीज को एग्जैक्टली करने लग जाओ। वैसे हमने भी इसी फिलॉसफी से गीगल एप्लीकेशन पब्लिश की थी, जहां पर दुनिया के बेस्ट लोगों के महान आइडियाज हैं। एनीवेज, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हुआ ये कि विलियम ओ'नील सबसे अलग इन्वेस्टिंग का एक फॉर्मूला लेके आए जो पहले से कोई भी यूज नहीं कर रहा था, और उसी फॉर्मूले को यूज करके उन्होंने एक साल में 2.5 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। यस, यू हर्ड इट राइट, एक साल में पैसों को 40 गुना कर दिया। जो लोग इस नंबर से इंप्रेस नहीं हुए, तो अगर बैंक एफडी की मदद से हमें पैसों को 40 गुना करना हो तो इसके लिए हमें करीबन 60 साल लग जाएंगे, यानी एफडी हम बनाएंगे और पैसे बच्चों के बच्चों को मिलेंगे। एनीवेज, अगर आप भी मेरी तरह क्यूरियस हो तो विलियम ओ'नील के फॉर्मूले को जल्दी से जानना चाहोगे, तो बेसिकली इन्होंने अपने फॉर्मूले को नाम दिया कैन स्लिम फॉर्मूला, जो कि एक एक्रोनिम है जिसमें सी का मतलब है करंट क्वार्टरली अर्निंग्स। ये पॉइंट कहता है कि जो कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग्स है वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करने पर कम से कम 25% से ग्रो होनी चाहिए। तो जिन्हें नहीं पता, हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने के बाद कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, तो हम इसे चेक कर सकते हैं screener.in जैसी वेबसाइट्स पर। लेट्स से हम screener.in पर आते हैं और एशियन पेंट्स लिमिटेड सर्च करते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर हम देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब यहाँ पर अगर हम ईपीएस देखें, यानी एक शेयर ने कितना अर्न किया दिसंबर 2021 में, तो वो था 10.59 रुपीज। अब इसे हम पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, यानी दिसंबर 2020 से, तो इस वक्त इसकी अर्निंग पर शेयर थी 12.91 रुपीज। अब ये नंबर इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि उल्टा कम हो गया। इसलिए विलियम ओ'नील अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इस मूवमेंट पर इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये पहला स्टेप ही फॉलो नहीं कर पाया, यानी ईपीएस ग्रो नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है ए, यानी एनुअल इंक्रीज इन अर्निंग्स। ये पॉइंट कहता है कि बहुत सी कंपनीज एक या दो क्वार्टर तक अच्छा परफॉर्म कर लेती है, लेकिन एक असली मनी मेकिंग मशीन वो है जो सेकेंड क्राइटेरिया को भी फॉलो करे, यानी उसकी साल की अर्निंग्स भी कम से कम 25% से ग्रो हो रही हो। तो लेट्स से कि हम एस्ट्रल लिमिटेड सर्च करते हैं और ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखते हैं कि मार्च 2020 में इनका ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर 12.34 रुपीस था, और मार्च 2021 में ये नंबर इंक्रीज होकर 20.13 रुपीस हो गया, जो कि एक इंप्रेसिव नंबर है। क्योंकि अगर हम इसकी ग्रोथ कैलकुलेट करें CAGR कैलकुलेटर वेबसाइट में जाकर, तो ये बनता है 63.13%, जो कि 25% के क्राइटेरिया को मीट करता है। इसके अलावा विलियम ओ'नील इसी पॉइंट में कहते हैं कि जो स्टेबल कंपनीज हैं उनका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कम से कम 17% होना चाहिए, और अगर हम screener.in में एस्ट्रल का ROE देखते हैं तो वो 23.6% है, यानी 17% से कहीं ज्यादा। तो विलियम ओ'नील के अकॉर्डिंग ये सेकंड पॉइंट में तो एस्ट्रल सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन कैन स्लिम फॉर्मूले में टोटल 7 पॉइंट्स हैं। इसलिए अब आता है थर्ड क्राइटेरिया, जो कि है N यानी न्यू। विलियम ओ'नील कहते हैं कि कंपनी का शेयर प्राइस तब बढ़ता है जब कंपनी में कुछ नया हो रहा हो, न्यू जैसे कि या तो कंपनी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हो, जैसे कि रिलायंस के केस में जियो लॉन्च करा था, या फिर न्यू मैनेजमेंट कंपनी में लाई गई हो जिन पर लोगों को विश्वास हो कि ये लोग अच्छे तरीके से कंपनी चला सकते हैं, जैसे कि एप्पल के केस में जब स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकालने के बाद वापस एप्पल में लाया गया था, तो उस वक्त उसका शेयर का प्राइस बहुत इंक्रीज हुआ था। इन शॉर्ट, कुछ तो कंपनी में नया होना चाहिए। वैसे अगर स्पेसिफिक कंपनीज के केस में हम देखना चाहते हैं कि क्या नए लॉन्चेस होने वाले हैं कंपनी में, तो बेस्ट सोर्स है कि हम कंपनी की अर्निंग्स कॉल को सुने, जहां पर सारे डिस्कस करते हैं कि अगले क्वार्टर्स में अर्निंग्स कैसे इंक्रीज होगी, उसके लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। इसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया आता है एस, यानी सप्लाई एंड डिमांड। हमें यह तो समझना ही पड़ेगा कि हर चीज का प्राइस जो है वो सप्लाई और डिमांड पर ही बेस्ड है। लेट्स इमेजिन कि अगर दुनिया में आखिरी 1 लाख आईफोन्स बचे हैं, लेकिन दुनिया वालों को 10 लाख आईफोन्स चाहिए, तो इसका मतलब है कि आईफोन की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो आईफोन का प्राइस पक्का बढ़ेगा। इसलिए विलियम ओ'नील कहते हैं कि अगर किसी कंपनी के पास 500 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग पड़े हुए हैं और एक दूसरी कंपनी है जिसके पास सिर्फ 5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो ये जो दूसरी कंपनी है इसका शेयर प्राइस ज्यादा रेट से ग्रो करेगा, क्योंकि कम आउटस्टैंडिंग शेयर्स वाली कंपनी का प्राइस ज्यादा जल्दी इंपैक्ट होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है L, यानी लीडर्स और लैगर्ड्स। जिस तरह किसी भी बच्चे की परफॉर्मेंस हम उसके बाकी क्लासमेट्स की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि वो क्लास में फर्स्ट आया है या फिर 56th पोजीशन में आया है। उसी तरह किसी भी कंपनी को हम उसी की इंडस्ट्री में कंपेयर कर सकते हैं कि वो लीडर है या फिर वो लैगर्ड है। इसके लिए विलियम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं कि देखो 1979 से 1980 तक कंप्यूटर कंपनीज के शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा था, तो उस वक्त वैंग लैब्स, प्राइम कंप्यूटर्स, डेटा पॉइंट जैसी कंपनीज का शेयर प्राइस 7 से 8 गुना हो गया, जबकि उस वक्त IBM का शेयर प्राइस हिला तक नहीं। लेकिन 1981 से 1983 में जब दोबारा बुल मार्केट आया, यानी कंप्यूटर की कंपनीज में लोगों को फ्यूचर दिखने लगा, तो IBM के शेयर्स बहुत तेजी से ग्रो करे। और इसका रीजन यही है कि IBM 1979 से 1980 तक एक ज्यादा अच्छी कंपनी नहीं थी, लेकिन 1981 से 1983 में ये एक लीडर थी। अब लीडर का मतलब ये नहीं है कि कंपनी जिसका बहुत फेमस ब्रांड नेम है या जो बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म्स में। इसमें लीडर्स का मतलब है कि अर्निंग्स ग्रोथ इसकी सबसे ज्यादा हो, रिटर्न ऑन एक्विटी ज्यादा हो, और साथ में जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर को पसंद आ रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है I, यानी इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप। अगेन अगर हम अभी भी देखें कि शेयर का प्राइस तो तभी बढ़ेगा जब उस शेयर की डिमांड ज्यादा होगी, और जो सबसे बड़ा रीजन है डिमांड बढ़ने का वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कोई म्यूचुअल फंड, हेज फंड या इंश्योरेंस कंपनीज अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेती है तो इनकी मूव से ही मार्केट एक्टिविटी में इंपैक्ट आ जाता है। तो इस केस में हमें सिर्फ ये नहीं देखना है कि कितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, बल्कि ये भी देखना है कि क्या टाइम के साथ साथ ज्यादा परसेंटेज शेयर्स के खरीदे जा रहे हैं या नहीं। लेट्स से हम स्क्रीनर में जाके रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो इसमें हमें चार चीजें नजर आती हैं। पहला है प्रमोटर्स, यानी ओनर्स के पास कितने शेयर्स हैं। सेकंड है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी फॉरेन के म्यूचुअल फंड और हेज फंड्स के पास कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं। नेक्स्ट है DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी हमारे इंडिया के म्यूचुअल फंड और हेज फंड्स के पास कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं। फिर गवर्नमेंट है, और फाइनली हम लोग हैं, यानी पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं। तो रिलायंस के केस में प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग्स टाइम्स के साथ इंक्रीज हुई है, यानी ओनर्स को विश्वास है कि उनकी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसलिए उन्होंने अपने शेयर्स खुद खरीद लिए। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशन की शेयर होल्डिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की थोड़ी इंक्रीज हुई है। इन शॉर्ट इस पर्टिकुलर केस में डेटा उतना क्लियर नहीं है। इसका रीजन ये भी है कि कंपनी बहुत बड़ी हो चुकी है, और नई कंपनीज के केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेटा ज्यादा क्लियर हो। नेक्स्ट आता है M, यानी मार्केट डायरेक्शन। विलियम कहते हैं कि अगर पिछले 6 के 6 पॉइंट्स में हम ठीक भी हो जाएं, लेकिन अगर इस पॉइंट में हम गलत हो जाते हैं कि मार्केट का ओवरऑल मूड कैसा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम पैसा लूज करेंगे ही करेंगे। क्योंकि अगर हम कोरोना वायरस के टाइम में भी देखें, जब मार्केट पैनिक में थी और सब शेयर सेल कर रहे थे, तो उस वक्त अगर किसी कंपनी को लेके हमारे पिछले 6 क्राइटेरिया ठीक भी होते, लेकिन ये 7वां क्राइटेरिया फेल हो जाता, तो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस बुरी ही होनी थी। अब एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो विलियम कहते हैं कि किसी की भी मत सुनो कि तुम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। इन लोगों से खुद मार्केट टाइम नहीं हुई है, इसलिए ये सोचते हैं कि ये किया ही नहीं जा सकता। अब सारे वैल्यू इन्वेस्टर्स इस बात से अग्री नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेडर्स आई थिंक एक्सेप्ट कर लेंगे। एनीवेज, अब मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड, ये हम पता कर सकते हैं निफ्टी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर कि ये बुलिश है या फिर बियरिश। तो इन 7 क्राइटेरिया में बेसिकली विलियम और नील ने दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को कंबाइन किया है, यानी एक्चुअल में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं, और साथ में ये भी देखा है कि लोगों के इमोशंस का फायदा कैसे उठाया जा सके। तो ये 7 क्राइटेरिया हम एक एक्रोनिम से याद कर सकते हैं, जिन्हें कहा गया है कैन स्लिम फॉर्मूला, जिसमें सी था करंट क्वार्टरली अर्निंग्स, यानी ये देखो कि कंपनी इस क्वार्टर की अर्निंग्स पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरेटिवली कम से कम 25% से ग्रो कर रही हो। नेक्स्ट था ए, यानी एनुअल अर्निंग्स, अगेन इस साल की ईपीएस को पिछले साल के ईपीएस से कंपेयर करो कि वो इंक्रीज हो रही है या नहीं, और वो भी कम से कम 25% से हो, और साथ में आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी देखो कि वो कम से कम 17% हो। एन का मतलब था न्यू, यानी अगर कंपनी में न्यू मैनेजमेंट आई है या कंपनी को नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो उसका प्राइस इंक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट था एस, यानी सप्लाई और डिमांड, जिसमें हमने देखा था कि जिस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होंगे उसका प्राइस इंक्रीज करने के ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट था एल, यानी लीडर्स और लैगर्ड, यानी हमें ये देखना होगा कि जिन कंपनीज में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो उस इंडस्ट्री में लीडर है या लैगर्ड है, यानी top 3 पोजीशन में अगर वो कंपनी होगी तो उसका प्राइस इंक्रीज होने के ज्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट था आई, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी अगर कोई म्यूचुअल फंड या हेज फंड भी उस कंपनी के शेयर्स को खरीद रहा है तो पक्का इससे उसके प्राइस इंक्रीज होंगे, अगेन सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल। एम से था मार्केट ट्रेंड,
यानी अगर ओवरऑल लोग डिप्रेस्ड हैं और शेयर्स बेच रहे हैं तो शेयर्स का प्राइस कम ही होगा, चाहे फिर कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्म क्यों ना कर रही हो। इसलिए सबसे अच्छा टाइम इन्वेस्ट करने का तभी है जब ओवरऑल मार्केट बुलिश हो, यानी इंक्रीज हो रही हो। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स तो तभी खरीदना पसंद करते हैं जब मार्केट बियरिश हो और अच्छी कंपनीज भी कम दाम में मिल रही हो। दो बुक्स जो मैं रेकमेंड करता हूँ इन्वेस्टिंग के लिए वो है लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग और वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट। और ये दोनों बुक आप गीगल एप्लीकेशन में फ्री में सुन सकते हैं, जहां पर 1000 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी में अवेलेबल है। और रिसेंटली हमने एक डिजिटल मार्केटिंग कॉपीराइटिंग का कोर्स भी लॉन्च किया है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।